जब पिस्टन से फायरिंग करते हो, नेचुरल अलाइनमेंट जब ले लेते हो, तो आपकी पिस्टन के ऊपर जो आपकी साइट है वो साइट हमेशा 12 o'clock से 6 o'clock के ऊपर आनी चाहिए इस तरीके से। अगर आपकी साइट लेफ्ट राइट से होके इधर से होके ऐसे घूम के आती है और फिर आप ट्रिगर को दबाते हो, जिस साइड से आपकी साइड घूम के आएगी, इधर से या इधर से घूम के आएगी, तो आपका शॉट ट्रिगर दबाते टाइम पे उसी साइड में चला जाएगा, आपको इसका पता भी नहीं चल पाएगा, फिर भी उसी साइड में आपका ग्रुप सेट होगा। तो जब आप स्टार्टिंग में खड़े होते हो, अपनी पिस्टल को उठा के मिलाते हो, आप पिस्टल को जब ग्रिप करके और टारगेट के ऊपर मिलाते हो, तो आपकी साइट ऑटोमेटिकली आपकी आंख के सामने आनी चाहिए और ऑटोमेटिकली आपके टारगेट के ऊपर से 12 o'clock से 6 o'clock आनी चाहिए। धीरे धीरे आप सांस छोड़ते जाएंगे और उसके साथ में धीरे धीरे 12 o'clock से 6 o'clock आई, यहाँ पे आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो पिस्टल थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर आएगी। ऊपर आते ही आपको साइट क्लियर करना है और ट्रिगर को स्मूथली प्रेस कर देना है, वो शॉट आपका लगभग सेंटर में हिट होगा। तो आप सब बच्चों को कोशिश करनी है आगे से जो पिस्टल शूटर है उनकी साइट कभी भी टारगेट के ब्लैक बुल के लेफ्ट से या राइट से घुमा के उसके नीचे लेके नहीं आनी है। अगर ऐसे आती है तो आपको ड्राइव प्रैक्टिस के अंदर इसको सुधार करना है और हर रोज उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना है, ठीक है? तो आगे से ये सभी पिस्टल शूटर इसका ध्यान रखना। अभी वो राइफल मुझे दे दे।